मैं हूँ मिस सोबिया कुरैशी और मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को क्लास 8वीं जमात की उर्दू का फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग अपनी फेहरिस का पेज खोल लीजिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ जो आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, मौलिम अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका पेज नंबर है 112 यानी कि 12। पेज नंबर 12 खोल लीजिए बेटा। ये देखिए पेज नंबर 12 पे मौलिम अखलाक सबक नंबर 3 है बुक का और आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 है। सबक नंबर 1 है मौलिम इखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा मौलिम की मीनिंग है उस्ताद, सिखाने वाला, रहबर या रहनुमा। यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी अखलाक की खूबियाँ सिखाई, पहले उन्होंने खुद उस पर अमल किया, उन्होंने वो खूबियाँ खुद अपनाई, उन्होंने अमल किया, फिर हमें बताए। बेटा यूं तो तारीख आलम में बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने लोगों के अखलाक और आदत की इस्लाह के लिए अच्छी अच्छी नसीहतें की और अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन इस्लाह अखलाक में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हमसर ना हुआ है ना हो सकता है। लोगों पर इखलाकी तालीम का असर इसी सूरत में होता है जब नसीहत करने वाला खुद इन इखलाकी तालीमात पर अमल करके इन नसीहतों का मुफीद होना साबित कर दे। यानी नसीहत कानों के जरिए नहीं, आंखों के जरिए दिल में उतरती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इखलाकी खूबियाँ अपनाई, इन पर खुद कुरान की ये आयत गवाह है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाकी आला दर्जे पर हैं। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की अनायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से नरमी से पेश आते हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मरतबा फरमाया कि मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, फिर भला कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मौलिम अखलाक हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अक्खड़ और बदमिजाज लोगों को इखलाक के लिए बुलंद मकाम पर फायज करने में इसीलिए कामयाब हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की दूसरों को तलकीन फरमाई, इस पर पहले खुद बेहतरीन तरीके से अमल करके दिखलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाकी तौर पर दुनिया के बदतरीन मुआशरे को इखलाक की बुलंद तरीन सतह पर जिन नसीहतों के जरिए पहुँचाया, उनके चंद नमूने ये हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक यहूदी औरत की मिसाल हर बुक में आप लोग वन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक यहूदी औरत थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा करने जाया करते थे तो आपके ऊपर रोजाना कचरा कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस मुबारक और कपड़े नापाक हो जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुबारक देखिए कि आप उस जगह से खामोशी से गुजर जाया करते थे, उस औरत को उफ तक ना कहते थे। सुभान अल्लाह, ये तो था हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। अगर इस जगह आप में से हम कोई होते तो जाहिर बात है इससे लड़ते झगड़ते, ठीक है, या मार पिटाई भी करने लगते। और इस औरत का ये रोज का मामूल था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज उस जगह से ऐसे ही गुजर जाया करते थे। जब एक दिन वो औरत आपको नजर नहीं आई तो आपने असहाबा-ए-कराम से अर्ज किया कि वो औरत कहाँ है, तो असहाबा-ए-कराम ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, वो औरत सख्त बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर रहा ना गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पर उसकी आयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब वो औरत आपको देखती है तो ज़ारो कतार रोने लगती है कि या रसूलल्लाह, आप और मेरे घर, मैंने तो आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया और मैं आपके ऊपर रोज़ कचरा फेंकती थी, उसके बावजूद आप मेरे घर तशरीफ लाए मेरी आयादत के लिए। इस पर वो औरत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा, आपको परेशान होने की या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा और तुम्हारी तिमारदारी और खिदमत के लिए रोज़ आता रहूँगा। ये सुनकर वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, ये तो था हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुबारक, जिससे वो औरत मुतासिर होकर मुसलमान हो जाती है। और इसी के बारे में इस बुक में एक जगह और हमारे प्यारे नबी जहाँ वालिदैन और असातिज़ा के साथ भी एहतराम से पेश आने की नसीहत फरमाई, और उन लोगों से भी जो हमदर्दी और अखलाक से पेश आने की हिदायत फरमाई है जिन्हें लोग कमतर समझते हैं, मसलन बच्चे, मुलाजमीन, ख़वातीन, यतीमों, मसाकीन। इस ज़माने में लोग नौकरों को भी
नौकर नहीं गुलाम हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिकारत से बचाने के लिए हिदायत फरमाई कि कोई अपने गुलाम को गुलाम और बांदी को बांदी ना कहे। और एक जगह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह मुझे मिस्कीन रख और मिस्कीनों के साथ उठा। ठीक है, इस पर आपने दरियाफ्त किया या रसूल अल्लाह ये क्यों फरमाया? इसलिए कि ये दौलतमंदों से पहले जन्नत में जाएंगे। फिर इरशाद फरमाया ए आयशा किसी मिस्कीन को अपने दरवाजे से ना मुराद ना लौटाना, छुआरे का एक टुकड़ा ही हो दे देना। ए आयशा गरीबों से मोहब्बत रखो और इन्हें अपने करीब रखो, अल्लाह भी तुम्हें अपने करीब कर लेगा। तो बेटा इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ कम्प्लीट हुआ, अल्लाह भी तुम्हें अपने करीब कर लेगा। ख्वातीन को इस्लाम से पहले हर कौम में मर्दों से कमतर और हकीर समझा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन का एजाज बढ़ाया, फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। ठीक है, जिसने भी इस बेटियों को बेटों से कमतर ना समझा और इन्हें मोहब्बत से परवान चढ़ाया इसने जन्नत कमा ली। बीवियों के लिए फरमाया तुम में से सबसे आला दर्जे पर वो है जिसने अपने अहले खाने के साथ भलाई से पेश आता है, मैं अपनी बीवियों से तुमसे ज्यादा भलाई से पेश आता हूँ। दुनिया से रहलत फरमाते हुए फरमाया हालत निजाम में फरमाया तुम्हारी बीवियां तुम्हारे गुलाम यानी इनसे भलाई से पेश आना। ठीक है, इस तरह बेटा इस चैप्टर में बहुत से ऐसे वाक़ियात हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसपे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है। और आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बारे में शुरू ही से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी मिसालें जिन्हें आप पढ़ते आ रहे हैं समझते आ रहे हैं और आपके वालिदैन आपकी ट्यूशन टीचर आपकी क्लास टीचर आपको समझाती आ रही है। तो बेटा इसी तरह ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कम्प्लीट होता है, मौलवी अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में है। तो बेटा पेज नंबर 15 पे आ जाइए, मंदरजा ज़ैल के जवाबात लिखें, इससे सवाल और जवाबात यानी कि बेटा सवालों के जवाबात और अल्फाज मायना जो हम आपके व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ कर देंगे। बेटा सबसे पहले आप लोगों को इसका टाइटल पेज बनाना है बेटा, मौलवी अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद आप लोग वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। सही बेटा, बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी क्लास का टाइम खत्म हो रहा जा रहा है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सबक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।